वरदान मुंशी प्रेमचंद की कहानी। विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निविड़ अंधकार में कालदेव की भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उसकी जटाएं हैं, और अष्टभुजा देवी का मंदिर जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु के मन मन तरंगों में लहरा रही थी उस देव का मस्तक है। मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का मान हो जाता था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। गंगा जी की काली तरंगे पर्वत के नीचे सुखद प्रवाह से बह रही थी। उनके बहाव से एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी। ठौर ठौर नावों पर और किनारों के आसपास मल्लाहों के चूल्हों की आँच दिखाई देती थी। ऐसे में एक श्वेत वस्त्र धारिणी स्त्री अष्टभुजा देवी के सम्मुख हाथ बांधे बैठी हुई थी। उसका प्रौढ़ मुखमंडल पीला था और भावों से कुलीनता प्रकट होती थी। उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा, माता आज 20 वर्ष से कोई मंगलवार ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर ना झुकाया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों का ध्यान ना किया हो। तुम जगतारिणी महारानी हो। तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मेरे मन की अभिलाषा पूरी ना हुई। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? माता मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासनाएं की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु मनोरथ ना पूरा हुआ। अब तुम्हारी शरण में आई हूँ, अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की हैं, क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश हो जाऊँ? सुवामा इसी प्रकार देर तक विनती करती रही। अकस्मात उसके चित्त पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ। उसकी आँखें बंद हो गईं और कान में ध्वनि आई, सुवामा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग। क्या मांगती है? सुवामा रोमांचित हो गई, उसका हृदय धड़कने लगा। आज 20 वर्षों के पश्चात महारानी ने उसे दर्शन दिए। वह कांपती हुई बोली, जो कुछ मांगूंगी वह महारानी देंगी? हाँ मिलेगा। मैंने बड़ी तपस्या की है, अतएव बड़ा भारी वरदान मांगूंगी। क्या मांगेंगी? कुबेर का धन? नहीं। इंद्र का बल? नहीं। सरस्वती की विद्या? नहीं। फिर क्या लेगी? संसार का सबसे उत्तम पदार्थ, वह क्या है? सपूत बेटा। जो कुल का नाम रोशन करे? नहीं। जो माता पिता की सेवा करे? नहीं। जो विद्वान और बलवान हो? नहीं। फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं? जो अपने देश का उपकार करे। सुवामा तेरी बुद्धि को धन्य है, जा तेरी इच्छा पूरी होगी।